नमस्कार, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। अगर हौसला बुलंद हो तो उम्र रुकावट नहीं बनती, ये साबित किया है 105 वर्ष की महिला पपल्लम ने, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु की रहने वाली हैं। पपम्मल को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पपल्लम भवानी नदी के किनारे स्थित एक गाँव टेकमपट्टी में अपने खेत में रहती हैं। पपल्लम ने अपने 2.5 एकड़ क्षेत्र में बाजरा, दाल और सब्जियों की खेती करना जारी रखा है। कृषि में योगदान देकर और कई पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल बनी पपल्लम के नाम से मशहूर रंगमा जैविक खेती के लिए जानी जाती हैं। जब वो युवा थी तब से खेती से जुड़ी हुई हैं। जब वो लगभग 30 वर्ष की थी तब उनका यह सफर शुरू हुआ था। उनकी यह यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने एक दुकान चलाकर कमाए गए पैसे से एक प्लॉट खरीदा और तब से उन्होंने जैविक खेती का रास्ता अपनाया। रंगमा ने टीएन कृषि विश्वविद्यालय की सलाहकार समिति में भी कार्य किया है। वह सम्मेलनों में भाग लेती थी और वहां से जैविक खेती के गुर सीखकर इस्तेमाल करती थी। उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था। वह टेकमपट्टी पंचायत की वार्ड सदस्य थीं और कर्मादाई पंचायत संघ में पार्षद चुनी गईं। लेकिन रंगमा का जुनून जैविक खेती है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन पल लगाए हैं। विनम्र और सरल रंगमा 100 वर्ष के ऊपर की होने के बावजूद भी अपने जुनून का दिल से पालन कर रही हैं। इसीलिए कहते हैं, अगर हौसले में जान हो तो उम्र महज एक नंबर है। इस वीडियो में यहीं तक। बाकी खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।